नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जानसठ ब्लॉक परिसर में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह को एसडीएम जयेंद्र कुमार ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीर पाल निर्वाल तथा विधायक विक्रम सैनी भी मौजूद रहे। मंगलवार को जानसठ ब्लॉक के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीर पाल निर्वाल व विधायक विक्रम सैनी मौजूद रहे, जहाँ पर एसडीएम जानसठ जयेंद्र कुमार ने नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह को शपथ ग्रहण कराई तथा उसके बाद बीडीओ संत प्रकाश के द्वारा सभी 123 बीडीसी सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन घनश्याम प्रेमी ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में आए सभी गणमान्य लोगों ने ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह को माला पहनाकर और बुके भेंट कर बधाई दी। इस दौरान नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह ने कहा कि जनता की सेवा करना ही उनका धर्म है, वह सच्चे मन से अपना काम करेंगे तथा क्षेत्र का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं को धरातल पर लाकर जनता को उसका पूरा लाभ दिलाएंगे। मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ के पास के गांव से खरीदारी करने आए एक व्यक्ति की टीवीएस मोपेड चुराकर भाग रहे युवक को लोगों ने पीछा कर भलेड़ी के पास पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। मंगलवार को जानसठ थाना क्षेत्र के गांव सरदारपुर निवासी शहाबुद्दीन पुत्र इस्लाम अपनी मोपेड से कस्बे में हर्षित स्वीट्स के सामने चप्पल जूते की दुकान से खरीदारी कर रहा था, तभी बराबर में खड़ी मोपेड को राजू पुत्र करीलाम लेकर भागने लगा। यह नजारा देख वहां खड़े आसपास के लोगों ने बहादुरी का परिचय देते हुए उसे पीछा कर कार से भलेड़ी के पास पकड़ लिया। देश भर में ईद उल अजहा का पर्व कल बुधवार को मनाया जाएगा। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी दी जाती है, लेकिन कुर्बानी से पहले मीरापुर के मौलाना अरशद कासमी ने मुसलमानों से कुर्बानी में एहतियात बरतने की अपील की है। मौलाना अरशद कासमी ने कहा कि मुसलमान कुर्बानी के वक्त साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, नालियों में जानवर का खून न बहाएं, कुर्बानी की जगह पर ही कुर्बानी करें, सड़कों पर जानवरों की कुर्बानी न की जाए और जिन जानवरों को प्रतिबंधित किया गया है उन जानवरों को कतई कुर्बान न किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मौके पर भी उन्होंने कहा कि कुर्बानी के समय की कोई भी फोटो या वीडियो न बनाई जाए और न ही इस फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाए। हर तरह से सावधानी बरती जाए, शासन की गाइडलाइंस का पालन किया जाए ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। नमाज इस गांव में नहीं होगी, इसलिए उन्होंने सबसे अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने घरों में नमाज अदा करें और अपने बच्चों को भी बताएं कि नमाज अपने घर में ही पढ़ें, शासन की गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाए, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और घर पर ही रहकर जितनी भी सावधानी हो बरतें।